प्रीवियस लेक्चर में हमने 3D शेप्स के हवाले से बहुत कुछ जाना 3D पेंट के अंदर कि 3D शेप्स क्या होती हैं, 3D शेप्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और 3D शेप्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। मज़ीद ये कि हमने 3D शेप्स को कलर्स करना, ड्रॉ करना, इसके अलावा कस्टमाइज़ करना भी देखा था। इसी तरह हमने 3D शेप्स के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को देखा, मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। इसके अलावा 3D कैरेक्टर्स भी ड्रॉ करके देखे और उनमें भी कलर फिल करके हमने देखा। इसी तरह आज हम जिस चीज़ को देखने वाले हैं वो भी 3D शेप्स यानी 3D से रेलेवेंट है, जो कि 3D लाइब्रेरी है। 3D शेप्स के अंदर हमें बहुत कम मकदार में 3D कैरेक्टर्स या 3D मॉडल्स अवेलेबल किए जाते हैं, लेकिन 3D लाइब्रेरी में इंटरनेट के कनेक्शन के साथ आप बहुत सारे करैक्टर्स या मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने कैनवास के अंदर। चलिए आइए देखते हैं 3D लाइब्रेरीज के कुछ ऑप्शंस को। जी तो 3D लाइब्रेरी को एक्सेस करने के दो मेजर तरीके हैं 3D पेंट के अंदर। सबसे पहले आप जब 3D शेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन 3D लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप मज़ीद करैक्टर्स को डाउनलोड करके अपने कैनवस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी 3D लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करते ही अपने काफ़ी सारे 3D करैक्टर्स, 3D एनिमल्स, 3D शेप्स काफ़ी सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दी जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे 3D करैक्टर्स और 3D मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट ये कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि ये आपकी लोडिंग में कितना टाइम लेंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ से अगर आप देखना चाहें तो आप 3D शेप्स पर क्लिक करें। 3D शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3D लाइब्रेरी का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट 3D लाइब्रेरी के पैनल में ले जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जिस भी शेप के ऊपर या जिस भी करैक्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे उससे रेलेवेंट, उसकी कैटेगरी से रेलेवेंट काफ़ी सारे शेप्स या काफ़ी सारी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। या कहने का मकसद ये है कि आपके पास अनलिमिटेड करैक्टर्स, अनलिमिटेड कुछ भी चीज़ें अगर जो भी आपको चाहिए अनलिमिटेड आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ से ट्री चाहिए, एप्पल ट्री लिखा हुआ है, तो एप्पल ट्री पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये कुछ वक्त लेगा लोडिंग में, डाउनलोडिंग में। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है और वो किस हिसाब से डाउनलोड होगा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं अभी भी ये लोडिंग में टाइम ले रहा है क्योंकि ये अभी तक लोड नहीं हुआ। जैसे ये लोड होगा हम इसे यूज़ करेंगे और आपको बताऊंगा किस तरह से आप 3D करैक्टर्स को या 3D शेप्स को अपनी लाइब्रेरी से इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं और बड़े इफेक्टिव तरीके से काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ देर वेट करते हैं और हम जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसे यूज़ कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने 3D लाइब्रेरी के अंदर से एक ट्री जो एप्पल ट्री से रिलेटेड एक करैक्टर को या एक 3D मॉडल को डाउनलोड किया था। इसे आप अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने बैकग्राउंड क्रिएट करना है, लाइक आपने गेमिंग बैकग्राउंड बनाना है, लाइक आपने वॉलपेपर बनाना है, कुछ भी आप करना चाहें तो आप इस 3D लाइब्रेरी को यूज़ करके बड़े अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक ट्री डाउनलोड किया और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। आप एरो की को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। अगर आप देखना चाहें इसका व्यू, 3D व्यू, इस तरह से आप इसे व्यू भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल 3D ही है। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी आप बड़ी आसानी से चेंज कर पा रहे हैं। तो ये 3D लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से हम कलर्स भी कर रहे हैं और कलर करेक्शंस भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करना चाहूँ, अगर मैं Ctrl+C+V से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक कॉपी ली और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। यहाँ पर मैं इसे एडजस्टमेंट इसकी कर लूँगा और इसे भी इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं अगेन इसकी एक और कॉपी ली और मैंने इसे भी यहाँ पर ला के एडजस्ट करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमने एक सिंपल सा जो बैकग्राउंड टाइप एरिया था वो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम 2D शेप्स के अंदर से जाके एक रेक्टेंगल ले सकते हैं या बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जब हम कैनवस सेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बैकग्राउंड कलर भी करना सिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप इसमें फिल कलर कर सकते हैं, आउटलाइन जो है इसकी ऑफ कर दें और आप इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, ऐड कलर पे जाके आप मज़ीद कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमने 3D लाइब्रेरी को यूज़ किया और 3D लाइब्रेरी के अंदर से हमने ट्री की एक मॉडल चूज़ किया और उसका कलर्स भी चेंज किया और उसे यूज़ भी किया और उसके रिलेटेड हम मज़ीद भी जो चाहें वो ले सकते हैं। सिंपली आपने 3D लाइब्रेरी में आना है तो यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल 3D लाइब्रेरी की तरह। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, इन्हें आप यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे और 3D पेंट को मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे।